हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं भारती कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा जाएगा। देखिए, हर चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्यों न लेकर आपको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझनी चाहिए। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाटएवर द फूड वी आर इनटेकिंग वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, राइट? व्हाट हैपेंस टू इट, लेट्स लर्न। चलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम जान लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। देखिए, द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। हम कह सकते हैं कि जो भी फूड हम इनटेक करते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, राइट? अब हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ब्रेक डाउन कर देता है, राइट? सो हम ऐसे ही सिस्टम को क्या कह रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं। पहले आप इमेज में देखिए, आपको यहाँ पे एक बॉडी स्ट्रक्चर दिखेगा और आप यहाँ देख सकते हो कि माउथ से कोई चीज़ एंटर करके इस तरीके से हमारे स्टमक से होती हुई कहीं ना कहीं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइंस के बाद लार्ज इंटेस्टाइंस और एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो रही है, राइट? तो हम इसे स्टेप टू स्टेप समझेंगे, देखिए कैसे। अगर हम बात करें कि फंक्शन क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्या जरूरत है इस सिस्टम की, तो जान लीजिए कि फूड को इंजेस्ट करता है, यानी कि फूड हम सबसे पहले इनटेक करते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होता है जितना सिंपल फॉर्म में हो सके उतना। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं इट एब्जॉर्ब द मॉलिक्यूल्स इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि वो हमारे रक्त में घुल जाता है और हर बॉडी पार्ट तक पहुंचता है, ठीक है? और मैंने कहा कि रिड द बॉडी ऑफ इनडाइजेस्टिबल रिमेन्स, यानी कि जो भी वेस्ट मटीरियल है उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं कि हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो आप उसे रटे नहीं, आप उसे समझें, जिससे कि आप एग्जामिनर की अप्रोच तक समझ सकें कि एग्जामिनर क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि एग्जामिनर यहाँ पे लिखा है 5 steps ऑफ डाइजेशन, राइट? कि डाइजेशन 5 steps में होती है, तो एग्जामिनर ने यहीं से क्वेश्चन बना लिया कि डाइजेशन में यूजुअली कितने स्टेप्स होते हैं। बहुत जगह आप देखेंगे कि 6 लिखा होता है, बहुत जगह आप कुछ और देखेंगे, लेकिन आपको एनसीईआरटी में जो लिखा है उसी को रिलाय करना है, उसी को फॉलो करना है। तो यूजुअली देर आर 5 steps ऑफ डाइजेशन, राइट? अब 5 steps ऑफ डाइजेशन की बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो भी 5 steps होते हैं अरेंज देम इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, राइट? तो देखिए, पहला स्टेप है इंजेशन। हिंदी में हम इंजेशन को कहते हैं बेटा अंतर्ग्रहण, राइट? तो हम उसे कहेंगे अंतर्ग्रहण, यानी कि भोजन का अंदर जाना क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। दूसरा अगर हम कहें तो डाइजेशन लिखा है, जिसे आप हिंदी में पाचन कहेंगे, राइट? इसके अलावा एब्जॉर्प्शन, हिंदी में एब्जॉर्प्शन को हम अवशोषण कहते हैं, ठीक है? किसी भी चीज को सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, दैट इज हम इसे कहेंगे स्वांगीकरण, ठीक है? स्वांगीकरण आप अपनी आसान भाषा में समझ लिए कि एसिमिलेशन क्या होता है, किसी चीज का घुल जाना, ठीक है? और लास्ट क्या लिखा है, इजेशन, यानी कि हम इसे कहेंगे बहिर्गमन, यानी कि बॉडी से बाहर निकल जाना। तो हो सकता है एग्जामिनर हमसे पूछे डाइजेशन के कितने स्टेप्स होते हैं, तो आपने आंसर दिया 5 steps होते हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले कि बताइए डाइजेशन की प्रोसेस में इंजेशन के बाद कौन सा आता है, तो आप आंसर देंगे डाइजेशन आता है, है ना? आपको 4 options दिए जाएंगे, आपको वहां से चूज करना है, राइट? लेकिन ध्यान रखें, हो सकता है आपसे उसका ऑर्डर पूछ ले, है ना? अक्सर आजकल एग्जामिनर ऐसे 4 options देता है, A, B, C, D, राइट? और मान लीजिए इनको अगर लिखा उसने 1 करके 2 करके या इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसने क्या
हमें क्या सही आंसर है या क्या नहीं, इस तरीके की फॉर्म में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं जो भी मॉक टेस्ट आपको दूंगी उसमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर डालूंगी। आपको यहाँ पे टू द पॉइंट सिर्फ इतना समझना है कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि अगर आपके पास 5 स्टेप्स हैं तो 5 स्टेप्स में से हो सकता है एग्जामिनर आपको इनको सीरीज में लगाने के लिए पूछ ले, हो सकता है ये कितने हैं ये पूछ ले, या हो सकता है ये पूछ ले कि किसके बाद क्या आता है, राइट? चलिए अब हम इसे और डीप में समझते हैं, क्योंकि एग्जामिनर हमसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब कुछ भी समझने से पहले बायोलॉजी में हमें जानना होगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देती हूँ कि क्वेश्चन बनता कहाँ से है। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि पेपर मैंने सेट किया, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन बनता कैसे है। जब भी आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, कोई प्रक्रिया को याद कर रहे हैं, किसी प्रोसेस को, प्रक्रिया को समझना जरूरी है। याद क्या करना है, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? अगर पढ़ते दौरान किसी सेल का नाम आ गया, किसी सेल का फंक्शन पूछ लिया, राइट? कोई सेल मिलके कौन से टिश्यू बन रहे हैं, हो सकता है वो पूछ लिया, टिश्यू का नाम पूछ लिया, टिश्यू का फंक्शन पूछ लिया, ठीक है? उसी तरीके से ऑर्गन या सिस्टम पूछ लिया, किसी का भी नाम। ऐसे ही कोई ग्लैंड के बारे में पूछ लिया, जूसेस का नाम पूछ लिया, राइट? उस जूस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं वो पूछ सकता है। अब देखिए, मैं आपको बहुत शॉर्टकट से एक चीज समझाऊंगी और आपको पूरे लेक्चर में उस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है? सबसे पहली चीज, जीव विज्ञान में अगर हम पढ़ रहे हैं जीवन के बारे में, तो मैंने आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप आंसर देंगे कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है? यानी कि सबसे छोटी इकाई जीवन की क्या है, आप कहेंगे कोशिका सेल, ठीक है? अब जब सेल्स टुगेदर दे परफॉर्म एक्शन, तो वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म टिश्यू, यानी के उत्तक बनाते हैं, ठीक है? कोशिकाएं मिलके किसका निर्माण करती हैं, तो आप बताएंगे कि उत्तक का निर्माण करती हैं। अब उत्तक जब मिलेंगे तो फिर क्या बनेगा, अंग बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, ठीक है? जो ऑर्गन्स पर्टिकुलर सिमिलर से फंक्शन करते हैं, तो वो सभी मिलके क्या बनाएंगे, एक तंत्र का निर्माण करेंगे, ठीक है? तो हमने एक तरीका समझ लिया, सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन्स मिलके क्या करेंगे, सिस्टम बनाएंगे, ओके? दूसरी चीज, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लेक्चर अभी हम पढ़ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, इसमें खास तौर पे हमें जानना है कि बहुत सारी ग्लैंड्स के नाम आएंगे, ग्लैंड्स यानी के ग्रंथियां, ठीक है? और हमें याद रखना है कि ग्रंथियों से निकलता है रस यानी के जूसेस, ठीक है? और रसों में क्या पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे रसों में पाए जाते हैं एंजाइम्स। अब बहुत सारे एग्जाम्स में अक्सर पूछा गया कि एंजाइम्स क्या होते हैं, तो एंजाइम्स एक तरीके के प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है? प्रोटीन किससे मिलके बनते हैं, अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं, ठीक है? तो यहां अगर आपने इस चीज को समझ लिया कि ग्लैंड्स से निकलता है जूस, जूसेस में पाए जाते हैं एंजाइम्स, एंजाइम क्या होते हैं, एग्जामिनर ऑप्शन देके पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं या विटामिन होते हैं, तो आप आंसर देंगे कि प्रोटीन होते हैं, राइट? अगर पूछ ले कि प्रोटीन किस चीज से बने होते हैं, तो आप बताएंगे अमीनो एसिड से, अमीनो अम्ल से मिलके बनते हैं। तो यहां पे हमने समझा कि एग्जामिनर हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, राइट? इसके अलावा हम आगे चलते हैं। अगर आपको ये चीज हमेशा याद रहेगी तो आगे के टॉपिक को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहला स्टेप है इंजेशन यानी के अंतर्ग्रहण, ठीक है? अब भोजन जब हमारे मुख में जाएगा, ठीक है, तो कैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा एक बार देखते हैं। बकल कैविटी यानी के मुख गुहा से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं, ये माउथ है, इसे बकल कैविटी बोला जा रहा है, जहां से फूड क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, ठीक है? अब यहां पे लिखा है कि बकल कैविटी में 3 मेन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि यही 3 मेन चीजें हैं जो फंक्शन कर रही हैं, ठीक है? अब ये 3 चीजें कौन कौन सी हैं, जरा देख लीजिए। एक है टीथ यानी के दांत, ठीक है? दूसरा सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसे आप हिंदी में लार ग्रंथियां भी बोलते हैं, ठीक है, लार ग्रंथियां।
और अगर मैं बात करूं टंग तो जीभ यानी कि जिह्वा, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जो बकल कैविटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका काम है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑर्गन होगी और ऑर्गन में से रस निकलेगा और रसों में क्या पाए जाएंगे, एंजाइम्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें इसे समझना है। अगर हम बात करें दांतों की तो दांत हमारे भोजन को पीसने का काम करते हैं, ग्राइंड करने का काम करते हैं। ये सलाइवा के भी बहुत फंक्शंस हैं, अभी क्या फंक्शंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट में समझा रही हूं, देखिएगा। और टंग की बात करूं तो टंग का मेन काम क्या हो गया, पुश करना और इसके अलावा हमें फूड का टेस्ट बताना, राइट। देखिए कैसे, अगर हम बात करें सबसे पहले माउथ की, ठीक है। माउथ के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो टीथ मैकेनिकली ब्रेक डाउन कर रहे हैं फूड को, यानी कि दांत ने क्या किया, भोजन को मैकेनिकली तोड़ना स्टार्ट कर दिया। और कैसे तोड़ेगा, जितना हो सकता है उतना तोड़ेगा, ठीक है। दूसरा, टंग क्या कर रही है, फूड को मिक्स कर रही है किससे, सलाइवा से। और यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हो, एक नाम देख रहे हो, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट structure at the back of the throat that closes over the trachea preventing food from entering it, right? क्या मतलब है इसका, जरा देखिए इस picture में बड़े ध्यान से देखिए, ये epiglottis है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो अगर भोजन यहाँ से आ रहा है तो एक तरफ हमारी फूड पाइप है और एक तरफ हमारी आहार नलिका और एक तरफ श्वास नलिका है, ठीक है। जब हम भोजन कर रहे हैं तो एपिग्लॉटिस क्या करेगा, श्वास नलिका को ढक लेगा, यानी कि कवर कर लेगा, क्यों, जिससे भोजन श्वास नलिका में ना चला जाए। कई बार जब आप भोजन करते वक्त बीच में बातें करते हैं, राइट, तो आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि बात करते करते आपको खांसी हो गई, क्यों, क्योंकि भोजन श्वास नली में हल्का सा चला गया और वो अटक गया। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो एपिग्लॉटिस क्या करेगा, ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगा। और यूजुअली अगर हम कह रहे हैं कि चुपचाप खाना खाना चाहिए, खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज कि जिससे हमारा एपिग्लॉटिस प्रॉपर वर्क कर सके, फंक्शन कर सके, इज दैट क्लियर। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि आहार नलिका और श्वास नलिका में, श्वास भोजन को श्वास नलिका में जाने से कौन रोकता है, तो आपको आंसर देना होगा एपिग्लॉटिस। याद रखेंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में जहां तक हो सकता है मैं ट्रांसलेशन करूंगी, कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश में और हिंदी में सेम बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल के मुझसे पूछेगा जरूर। अभी हमने इतना समझा, अब हम इसे और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने बात करनी है टीथ की, दांतों के बारे में। आप यहाँ पे दांत देख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की जो मैंने पिक्चर्स ली हैं आपको समझाने के लिए। यूजुअली आपसे पूछेगा कि टीथ कितने टाइप के होते हैं, तो वहां आपको बताना है यूजुअली 4 टाइप के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। अभी 4 टाइप ऑफ टीथ में कौन कौन से हैं, इनसीजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। देखिए इनसीजर्स को हिंदी में हम कृंतक कहते हैं, ठीक है, कृंतक। अगर केनाइंस की बात करूं तो ये रदनक कहलाते हैं। प्रीमोलर्स ये अग्र चवर्नक है, प्री का मतलब अग्र, मोलर्स मतलब चवर्नक, ठीक है, और मोलर्स को हम कहेंगे चवर्नक, ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपके लिए जानना, यूजुअली ह्यूमन बींग्स में जब इन्फेंट या बेबी की बात कर रहे हैं, किड्स की बात कर रहे हैं, तो उनके दूध के दांत होते हैं। अब दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं, जिसे हम मिल्क टीथ कह देते हैं या टेम्परेरी टीथ भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने कहा टोटल टीथ कितने होते हैं, तो आपने कहा होगा कि मुंह में 32 दांत होते हैं, है ना, तो 32 हमने वर्ड लिखा तो ये हमारे क्या हो गए, परमानेंट टीथ हो गए, ठीक है। अभी हम समझेंगे कैसे, ठीक है। अगर हम बात करें कि मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं, एक बार दूध के दांत आते हैं, फिर वो टूट जाते हैं, फिर परमानेंट दोबारा से आते हैं, है ना, तो इसका मतलब जिनमें भी 2 बार दांत आते हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आंसर होगा इसका डायफायोडोंट, ठीक है।
हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स याद रखें, उन्हें कहेंगे द्विबारदंती। द्विबारदंती, डाई का मतलब दो बार, डॉन्ट वर्ड किससे रिलेटेड है, दांतों से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे जीव जिनमें दांत दो बार आते हैं वो क्या कहलाएंगे, डायफायोडोंट, यानी के द्विबारदंती, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टीथ की स्टडी को क्या कहते हैं, तो वहां आपको आंसर देना होगा कि टीथ की स्टडी को हम ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। डेंटोलॉजी या ओडोंटोलॉजी वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। आप टीथ के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटल वर्ड किसके लिए है, रूट वर्ड आपका टीथ के लिए है, राइट। अब आ जाते हैं कि चार तरह के दांत जिनके बारे में हमने पढ़ा, इंसीजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स या मोलर्स, इनके फंक्शन क्या हैं? देखिए, आपको मैं सिंपल तरीका याद रखने का बताती हूं। यहां लिखा है कृंतक, क से कृंतक, क से काटना, राइट। मैंने कहा क से कृंतक और क से काटना, यानी कि इंसीजर्स हमारे आगे वाले दांत होते हैं, ये आगे वाले दांत, ठीक है, जिनसे आप क्या करते हो, किसी चीज को काटने का, बाइट करने का काम करते हो। अगर आप एप्पल खा रहे हो, पराठा खा रहे हो, तो आप ऐसे करके बाइट करोगे, अपने इंसीजर्स का यूज करोगे, ठीक है। अगर बात लिखा है यहाँ पे केनाइंस की, रदनक की, तो केनाइंस किस लिए होते हैं, देखिए केनाइंस होते हैं हमारे ये वाले नुकीले दांत। आप अक्सर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में इस तरह के नुकीले दांत देखेंगे। ये जो नुकीले दांत हैं, ये किस लिए हैं, किसी भी चीज को टियर करने के लिए, चीरने के लिए या फाड़ने के लिए। अगर आप कोई पैकेट, कोई सैशे अपने मुंह से खोल रहे हैं, तो आप अपने साइड वाले टीथ का प्रयोग करते हैं, किनका, केनाइंस का प्रयोग करते हैं, हिंदी में हम उन्हें रदनक कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं प्री मोलर्स और मोलर्स की बात करूं, दोनों का ही काम पीसने का है। यूं कह लीजिए कि दोनों में क्या फर्क है, ग्राइंड करने का काम है। दोनों में क्या फर्क है, जैसे हमारी मिक्सी में एक बड़ा ब्लेड होता है, एक बारीक करने का ब्लेड होता है, तो ये क्या करेगा, मोटा मोटा पीस देगा, और ये उससे भी ज्यादा बारीक भोजन को पीस देगा। 70% अगर या 60% हम बात करें, तो भोजन को जितना सिंपल हो सकता है बकल कैविटी में ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने दांतों के मेन फंक्शन को पढ़ा। अभी इसके अलावा कुछ चीजें और एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है। देखिए क्या, अगर हम बात करें इंसीजर्स की, तो हमने अभी अभी जाना कि इंसीजर्स क्या करते हैं, तो आपने कहा इंसीजर्स बाइट करने का काम करते हैं, ठीक है। मोलर्स या प्री मोलर्स क्या कर रहे हैं, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग कर रहे हैं, मैंने अभी अभी समझाया। और केनाइंस क्या काम कर रहे हैं, किसी चीज को टियर करने का काम कर रहे हैं, राइट। अभी इसके अलावा अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट टंग। बट हाँ, टंग तक पहुंचने से पहले एक और टीथ का मैं क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगी, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। आपसे अक्सर पूछा जाता है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी में हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है, तो हार्डेस्ट मटेरियल जब भी पूछा जाए आपको आंसर देना है एनिमल। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि मैम एनिमल क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ एनिमल क्या होता है। टीथ पर जो वाइट क्राउन है वो एनिमल है। और एग्जामिनर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है हार्डेस्ट मटेरियल क्या है, एनिमल। अब हर बार सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, जिससे आप रट के चले जाएं, राइट। तो एग्जामिनर चेंज करके ये पूछ सकता है कि ये इतना हार्ड क्यों होता है, किस चीज का बना होता है, तो आप कहेंगे कि ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है, जो कार्बोनेट मटीरियल होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, राइट। तो ये हार्डेस्ट होता है, इसलिए इनका ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं सारे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो अक्सर आपने पायरिया जैसी बीमारी का नाम सुना होगा। पायरिया में क्या होता है, पैरासाइट हमारे एनिमल को घिसने लग जाता है, जिसकी वजह से एनिमल घिसने लग जाता है, राइट। तो इस तरह की चीजें आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। एनिमल इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और डेंटोलॉजी में बहुत पूछा जाता है, राइट। अब हम एक नेक्स्ट पे चलते हैं। Now let's talk about tongue, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि tongue का एक structure बना हुआ है। यहाँ पे छोटी छोटी capillaries आप देख रहे हैं, जिन्हें हम taste buds कहते हैं।
अब ये टेस्ट बड्स का क्या काम है, टंग क्या काम करती है? एक तो टंग सलाइवा को हमारे भोजन में मिला देती है, दूसरा पिसे हुए भोजन को क्या करती है, अंदर की तरफ यानी कि ईसोफेगस की तरफ पुश करती है, ठीक है, और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें किसी भी भोजन का टेस्ट बताती है कि टेस्ट क्या है। अब देखिए, मैं आपको इसे और अच्छे से समझाती हूँ। यूजुअली आपने पढ़ा होगा कि टेस्ट कितने टाइप का होता है, तो आप कभी भी किसी से पूछ के देखिएगा, अक्सर लोग बताएंगे कि टेस्ट चार तरह का होता है, खट्टा, मीठा, कड़वा या नमकीन, राइट? लेकिन मैं आज आपको ये बता दूं कि टेस्ट टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, ये बहुत कम जगह आपको सुनने को मिलेगा, बहुत कम लोग आपको ये बता पाएंगे, बट आप इसे सर्च करिएगा, देखिएगा। बिटर यानी कि कड़वा, ठीक है, सॉल्ट यानी कि नमकीन, सौर यानी कि खट्टा, स्वीट मीठा, और यामी मामी इसे बोलते हैं हम, यूमामी, राइट? ये जापनीज टर्म से वर्ड निकला है, ठीक है। और ये भी किस तरीके का वर्ड होता है, मतलब किस तरीके का टेस्ट होता है, जैसे कोई बहुत ही ज्यादा, जैसे चिकन का, या फिर कह लीजिए बिटर, सॉल्ट, इन सब का मिक्सचर जो होता है, आप ये कह लीजिए सॉल्ट और सौर का मिक्सचर जो होता है उसे यूमामी बोलते हैं, ठीक है। पहली तो ये बात, अब दूसरी सुनिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे के जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो हमें स्वीट यानी के मीठा स्वाद बता रहे हैं, राइट? अगर हम बात करें साइड की, तो ये हमें नमकीन स्वाद बता रहे हैं, साइड के जो टेस्ट बर्ड्स हैं, है ना, राइट? ये हमें नमकीन स्वाद बता रहे हैं। अभी अगर मैं सौर की बात करूं तो ये खट्टापन हमें बता रहे हैं, ठीक है, और बिटर यानी के लास्ट पार्ट जो हमारा है, ये हमें यहाँ पे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हमें कड़वा स्वाद बता रहे हैं कि किसी भी चीज का कड़वा स्वाद है, ठीक है। अब कैसे याद रखेंगे, मेन तो जरूरी है कि हमें याद रहे, तो आप एक चीज याद रखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूं मकान, क्या लिख रही हूं, मकान। देखिए म से स्टार्ट रखेंगे मीठा, क से याद रखेंगे कड़वा, क्योंकि आगे के बाद आप बोलते हैं पीछे, आगे पीछे, तो आगे कैसा स्वाद, मीठा स्वाद, पीछे कैसा स्वाद, कड़वा स्वाद, और बीच का जो भाग है वो कैसा बता रहा है, नमकीन बता रहा है, और साइड का जो हिस्सा है वो क्या बता रहा है, खट्टा स्वाद आपको बता रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहां पे लिखा है कि टंग इट पुशेस द फूड अराउंड अंटिल इट फॉर्म्स अ बॉल। अब हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भोजन का जो अनडाइजेस्टेड फूड का जो जितना हमारा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया माउथ में, उसका जो एक बॉल बन गया, राइट, उसको क्या बोला जाता है? तो यूजुअली आप सिंपल याद रखेंगे कि टंग ने जो फूड को पुश किया, राइट, और उसको एक बॉल सा बना दिया, उसे बॉलस बोला जाता है। आपको ये बहुत इजीली याद हो जाएगा, उसे बॉल से बॉलस वर्ड याद हो जाएगा, भोजन का जो एक फॉर्म करके वो जो पीछे सरकाना स्टार्ट करेगी उस फॉर्म को, उस अनडाइजेस्टेड फूड को हम बॉलस कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे लिखा है बॉलस इज पास्ड इनटू द फैरिंक्स, ठीक है, यानी कि फैरिंक्स क्या है, यहां पे इस तरीके से थॉट से वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब हमें यहां पे क्या सीखना है, जरा एक बार नेक्स्ट पे देखते हैं। बिफोर स्टेपिंग अहेड, जब भोजन नीचे सरकाया जा रहा है वो हमारे नेक्स्ट स्टेप पे हमें ले जाएगा, पर उससे पहले हमें सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ना है। इंजेशन जो डाइजेशन का पहला स्टेप है, जिसमें हम बकल कैविटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बकल कैविटी में तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है, एक तो टीथ, दूसरा टंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड्स। आप यहां इमेज में सलाइवरी ग्लैंड्स पहले देख लीजिए। एग्जामिनर आपसे यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड्स कितने पेयर में पाई जाती हैं? तो आप यहां आंसर लिखेंगे 3 पेयर्स में पाई जाती है, राइट? हो सकता है आपसे पूछ ले टोटल कितनी होती है, तो पेयर का मतलब क्या होता है, 2, तो टोटल पूछ ले तो क्या लिखेंगे, 6, लेकिन यूजुअली आपसे पूछा जाता है 3 जोड़े में पाई जाती हैं। अब हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जिन सलाइवरी ग्लैंड्स की, लार ग्रंथियों की हम बात कर रहे हैं, वो कहां पर हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो ये जीभ के जस्ट नीचे वाले हिस्से में एक पेयर है, ठीक है। दूसरा मैं बात करूं तो यहां पे जो कि हमारा ये हिस्सा होता है, यहां पे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पैरोटिड ग्लैंड से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने अक्सर सुना होगा
कि बच्चों को कन्फेड हो जाती है ना, मम्स हो जाता है, तो पैरोटिड ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है एंड दैट इज हेयर, इट इज सिचुएटेड हेयर जस्ट अराउंड आवर ईयर, ठीक है, यहाँ पे कान के बिल्कुल पास। तो आपने देखा कि सलाइवरी ग्लैंड्स कितने पेयर में होती हैं, 3 पेयर्स में होती हैं, इज दैट क्लियर। नाउ सी आगे चलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स का मेन आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब याद कीजिए, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि जहां भी किसी ग्लैंड का नाम आ जाएगा वहां से क्या निकलेगा, जूस निकलेगा, और जूसेस में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब सलाइवरी ग्लैंड्स में से जो जूस निकला उसे हमने कह दिया सलाइवा यानी कि लार, और उसमें से जो एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसने कहा कि देयर आर 3 पेयर्स, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। दूसरी चीज देखिए, हमने कहा कि ये 3 पेयर में होती है तो कौन कौन सी होती है, इतना क्लियर हो गया। पर अभी हमें जानना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कितने टाइप के एंजाइम्स होते हैं सलाइवा में। तो देखिए यहां पर लिख रही हूं मैं, नोट कीजिएगा ध्यान से, आई होप आपको विजिबल है, ठीक है। अगर मैंने कहा कि सलाइवा की बात कर रहे हैं तो सलाइवा में मुख्य रूप से दो तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक होता है बेटा टाइलिन, ठीक है, टाइलिन, और एक होता है लाइसोजूम। अब टाइलिन को टाइलिन ही कहा जाता है, पी साइलेंट होता है, लाइसोजोम को भी लाइसोजोम ही कहेंगे हिंदी में, ठीक है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो भोजन हम खा रहे हैं उसमें मौजूद मांड को पचाने का कार्य किसका है, यानी कि स्टार्च को डाइजेस्ट कौन करता है, तो वहां ऑप्शन में लिखा था टाइलिन, आपको आंसर देना होगा टाइलिन। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है तो आपको आंसर देना है कि मांड को पचाने का कार्य किसका है, लार में मौजूद बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसका नाम है टाइलिन, राइट। और लाइसोजोम क्या काम करता है, अगर भोजन में मौजूद स्टार्च को टाइलिन पचा रहा है, राइट, तो लाइसोजोम क्या काम करेगा, तो आप कहेंगे कि लाइसोजोम एंटीबैक्टीरियल होता है, कैसा होता है, एंटीबैक्टीरियल, यानी कि जब भी हम भोजन को अपने मुंह में डालते हैं, यानी कि जहां से हमने अपनी थाली में से अपनी प्लेट में से भोजन लिया और मुंह में डाला, तो वायु में एटमॉस्फेयर में कोई तो वायरस बैक्टीरिया जर्म्स कुछ तो उसके साथ गया ही होगा, कितना ही प्रिकॉशंस लें ये बहुत ही माइक्रोब होते हैं, वी कैनॉट सी देम विद द नेकेड आई, सो ये अगर हमारे भोजन में के साथ हमारे मुख में प्रवेश कर लें, दीज ऑल आर पैथोजन्स, तो हो सकता है ये हमारी बॉडी को कोई हार्म पहुंचा दे। तो हमारी बॉडी में जो एंटी सिस्टम है, राइट, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या कर रहा है, लाइसोजोम एंटी बैक्टीरियाज, उन बैक्टीरियाज को वहीं पे ही किल कर देता है, राइट। इसके अलावा हमने अभी जाना कि सलाइवरी ग्लैंड्स यूजुअली 3 पेयर्स में होती हैं, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स में से सलाइवा सिक्रीट होता है। अब क्वेश्चन आ गया कि जब भी बायो में या साइंस में आप किसी लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं तो उसका पीएच वैल्यू क्या होता है। सलाइवा का पीएच वैल्यू अगर हम बात करें तो याद रखेंगे सलाइवा का पीएच वैल्यू यूजुअली 6.8 होता है, 6.7 होता है, ठीक है, 6.7 या 6.8 हो सकता है, ठीक है। अभी आपको क्या समझना है, जिन लोगों को पीएच का मतलब नहीं पता, दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। हम साइंस में जब चीजों को एक सॉल्यूशंस को मेजर करते हैं एक स्केल पे हाइड्रोजन की पावर को, तो मैंने कहा कि अगर किसी की पीएच वैल्यू 0 to 7 होगी तो वो किस कैटेगरी में आएगा, और 0 to 7 के अबव होगी तो वो किस कैटेगरी में आएगा। 0 to 7 होगी तो वो एसिड यानी कि अम्लीय प्रभाव का होगा, यानी कि अम्ल कहलाएगा, राइट। और मैंने कहा 7 अबव होगी तो हम उसे बेस यानी कि क्षार कहेंगे, ठीक है। अब देखिए सलाइवा की पीएच वैल्यू 6.7 है, इसका मतलब इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि सलाइवा कैसी होती है, एल्कलाइन होती है, एसिडिक होती है, तो आप आंसर देंगे स्लाइटली एसिडिक होती है। ये आंसर आप कब दे पाएंगे, जब आप उसकी पीएच वैल्यू जानते होंगे। हो सकता है एग्जामिनर पीएच वैल्यू पूछ ले तो पीएच वैल्यू आप 6.7 बता देंगे, राइट। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो दैट इज द थिंग, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा वो यहां तक के लिए सफिशियंट है।
डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट आप नेक्स्ट उसमें पढ़ सकते हैं, मैं इसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।